I have come here to wish Israr Bhai and Gupta Ji, and I wish सबको all the best for Jatiwal. Title भी अच्छा है और सारे actors जितने भी हैं इस film में सब अच्छे बेहतरीन actors हैं. And मेरे हिसाब से limited budget की फिल्में भी चलनी चाहिए जैसे पहले चलती थी. और ये barrier है कि छोटी फिल्में बड़े स्टार कास्ट के सामने चलती नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ इस फिल्म को, ये डेफिनेटली आज का टॉपिक है. मैं इस फिल्म में नहीं हूँ और यहाँ की इस फिल्म की स्टार कास्ट मुझे कोई दिख भी नहीं रही है, लेकिन फिर भी आई विल सपोर्ट दिस फिल्म एंड आई विल विश एवरीवन ऑल द बेस्ट हूएवर इज कंसर्न्ड विद दिस फिल्म. भाई जातिवाद तो अभी पहले हमने सोचा इस मुल्क से ख़त्म हो रहा है, लेकिन अब लगता है कि ये जातिवाद और ये धर्म जात पात ये सब चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही हैं, और इसके ज़िम्मेदार जनता भी है. जो लोग इन पॉलिटिक्स पॉलिटिशियंस की बातों में आ जाते हैं और धर्म के नाम पे बहुत ख़राबी होती है मुल्क में, मेरी तो एक ही अपील है कि कभी कोई आम जनता में से कोई इतना बेवकूफ़ ना बने कि कुछ ऐसी चीज़ कोई पॉलिटिशियन करे अपनी वोटों के चक्कर में और हम लोग गुमराह हो जाएं और उसमें गलत काम कर बैठें जात पे धर्म पे. सर जॉब्स में इतनी रिजर्वेशन होती है, आप मानते हैं इंडस्ट्री सबसे सेक्युलर प्लेस है जहां पर रिजर्वेशन की गुंजाइश नहीं? सर यहां पे तो इंडस्ट्री जैसा तो मैं बोलता हूं कि जो हमारा सोच है वो अगर सोच पूरे मुल्क में हो जाए तो उस मुल्क में दंगा फसाद का शब्द ही मिट जाए, क्योंकि हमारी सोच इन चीज़ों से बहुत अलग है. हम ना जात को ना पात को ना धर्म को ना किसी चीज़ को नहीं मानते, सिर्फ काम को मानते हैं, भाईचारा को मानते हैं. हिंदू तकलीफ में हो तो मुसलमान खड़ा हो जाता है, मुसलमान तकलीफ में हो तो हिंदू खड़ा हो जाता है. हिंदू क्या पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो जाती है यार किसी को तकलीफ़ हो तो. मैं तो कहता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री से लोगों को सबक लेना चाहिए और ये सबक हम अभी फिल्मों के ज़रिए कोशिश करेंगे आम जनता तक उनकी समझ में बात बैठे कि बेवकूफ़ ना बने, इतना बेवकूफ़ी की मत करें कि किसी ने कुछ काट डाला, आपने अगले को काट डाला, उसने वो काट डाला तो आपने और किसी को काट डाला. ये चीज़ें अभी आज के ज़माने में ये सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है. सर बात करें साहित्यकारों ने जैसे साहित्यकार कुलकर्णी पे सही कांड हुआ है और सारे साहित्यकार अपना सम्मान उठा रहे हैं, कैसा क्या लगता है आपको? सर ये हर इंसान की सोच है और कुछ अपनी सोच के हिसाब से सही भी हैं, कुछ अपनी सोच के हिसाब से गलत हैं. पॉइंट तो हर जगह है, वो भी जो डिस्कस करते हैं उसमें भी पॉइंट है, जो ये लोग डिस्कस करते हैं उसमें भी पॉइंट है. तो कहने का मतलब ये है कि अगर शांत वातावरण हो तो ये साहित्य ये कलाकार लोग ये चीज़ें का क्वेश्चन नहीं पैदा नहीं होगा. तो एटलीस्ट वी शुड द कंट्री शुड बी इन सेफ एटमोसफेयर ना. हाँ तो एक तरफ मतलब इट्स अ वेरी अजीब क्वेश्चन, उसका आंसर बड़ा मुश्किल है. जी जी उन्होंने तो शांति का पैगाम लेकर आए थे और जनता करने के लिए तैयार है. सर ये पॉलिटिक्स का मामला है, इसमें तो मैं बच्चा हूँ सर, मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा इसके बारे में. तो ये बहुत एक मचोर आंसर है और मेरे हिसाब से मैं उतना मचोर अभी हुआ नहीं ऐसे उत्तर देने के लायक नहीं हूँ मैं अभी. सर नवरात्रि चल रही है, क्या प्रोग्राम है? सर नवरात्रि अच्छा है और वसीम भाई है यहाँ पे खड़े, कहीं भेज देंगे तो हम भी कहीं डंडा वंडा घुमा के आ जाएंगे. नहीं नवरात्रि बहुत अच्छा है, एक आज का दिन बहुत बड़ा है, पहली नवरात्रि है और हम लोग बहुत मानते हैं. सबको माँ का आशीर्वाद मिले और मेरी दुआ है कि हर परिवार सुखी रहे, शांति से रहे, मज़ा करें और जातिवाद फिल्म देखें, सब देखें और अच्छी फिल्म होगी तो कोई रोक नहीं सकता, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी होनी चाहिए. तो सबको शुभकामनाएं. और मैं इस फिल्म में नहीं हूं भाई, मेरी तो ऐसी इंटरव्यू चल रही है जैसे मैंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया, डायरेक्ट किया है. हीरो भी मैं, हीरो भी मैं, हीरोइन भी मैं, हीरोइन की माँ भी मैं, हीरो का बाप भी मैं. बट रियली विश यू